हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहाँ पर तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 की कट ऑफ के बारे में कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्पेशली बिहार राज्य की कट ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मेल एंड फीमेल की कट ऑफ के बारे में। इसके साथ साथ जितनी भी आपकी कैटेगरी बनती है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी यूआर, इसके साथ साथ जितने भी आपके एरिया बनते हैं नक्सल एरिया बॉर्डर एरिया जनरल एरिया, सारी कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जितने भी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ वो फिजिकल की कट ऑफ रहेगी, मतलब अगर आपका इतना नंबर है तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम एसएसएफ की मेल कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा एसएसएफ की यहां पर ऑल इंडिया ए कट ऑफ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये कट ऑफ आपकी फिजिकल की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां पर एसएसएफ की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये कट ऑफ आपकी मेल कट ऑफ है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एफ सबमिशन ओबीसी और यूआर, ये है आपकी कैटेगरियां और ये है आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ से आपका इस बार एसएसएफ का कट ऑफ कितना ज्यादा जा सकता है मेल कैटेगरी के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ कितना गया था 139, तो फ्रेंड्स इस बार आपका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ये तो आप कंफर्म मानिए, क्योंकि यहाँ पर इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/8 थी, लोगों ने जमकर यहाँ पर तुक्के लगाए। इसके साथ साथ आपकी वैकेंसी आधी है, पिछली बार आपकी 50,000 प्लस वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी आपकी आधी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक चीज और हो गई, इस बार थोड़े पेपर बहुत ज्यादा इजी थे, ठीक है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा जो बच्चा यहाँ पर सोच रहा था कि मैं 60 क्वेश्चन करके आऊंगा, वो यहाँ पर 65-70 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इस बार थोड़ा पेपर आपका इजी था, तो इस वजह से आपका कट ऑफ भी ज्यादा जाने वाला है। अब यहाँ पर कट ऑफ कितना ज्यादा जाएगा, तो यहाँ पर एसएसएफ के अंदर मेल के अंदर बात करें ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो यहाँ पर आप इन सभी कट ऑफ के अंदर अपना 4 से 5 नंबर प्लस कर लीजिए, ये आपका एसएसएफ का फिजिकल कट ऑफ रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे 139 आपका एसएसएफ का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है, तो इसके अंदर अगर आप 5 प्लस करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा 144, ठीक है फ्रेंड्स। 144 आपका किसका जाने वाला है, ईडब्ल्यूएस का एसएसएफ का मेल कट ऑफ। इसके बाद में आप सभी के अंदर अपना 5 नंबर प्लस कर लीजिए, 4 से 5 नंबर आप प्लस करके मान अपना अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां पर 5 नंबर अगर आप प्लस करोगे तो इसके अंदर कितना हो गया 134, इसके बाद में इसके अंदर अगर 5 नंबर प्लस करें तो 131, इसके बाद में यहां पर 5 नंबर प्लस करें तो यहां पर हो जाएगा 80, इसके बाद में यहां पर 145 ओबीसी के अंदर, यूआर के अंदर 147। तो ये है आपका एक कट ऑफ का अंदाजा, एसएसएफ का कट ऑफ का फिजिकल कट ऑफ बता रहा हूं। फिर यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये मेल कट ऑफ है एसएसएफ की, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि जैसे ईडब्ल्यूएस के अंदर 144, एससी के अंदर यहां पर 134, एसटी के अंदर 131, एक्स सर्विसमैन के अंदर 80, ओबीसी के अंदर यहां पर 145, यूआर के अंदर 147, ये आपका फिजिकल कट ऑफ रहने वाला है एसएसएफ का, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आगे बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ के बारे में एसएसएफ के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखना, ये है आपकी कैटेगरी वगैरह, तो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी और यूआर, ये फिजिकल की कट ऑफ है, ध्यान से देखना। मैं पहले लिख देता हूं फिजिकल का कट ऑफ है, अगर इतना नंबर है तो आपका सिलेक्शन एसएसएफ में हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। कितना यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 नंबर प्लस कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, सभी के अंदर अपना 3 नंबर प्लस कर लेना है, आपको कट ऑफ का एक अंदाजा बन जाएगा। जैसे 128 है तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया है 131, 3 नंबर प्लस करने के बाद, यानी ईडब्ल्यूएस के अंदर 131, इसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर प्लस करें तो 118, किसके अंदर, एससी के अंदर, एसटी के अंदर अगर 3 नंबर प्लस करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 115, इसके बाद में ओबीसी के अंदर अगर 3 नंबर प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा 133, इसके बाद में अगर एसएसएफ में यूआर की कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 135, ये आपका एसएसएफ का फीमेल कट ऑफ रहने वाला है फिजिकल के लिए। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, आपको एक कट ऑफ का अंदाजा बन गया होगा कि जैसे ईडब्ल्यूएस के अंदर 131, एससी के अंदर 118, एसटी के अंदर 115, ओबीसी के अंदर 133, यूआर के अंदर 135, ये आपकी बात हुई एसएसएफ की मेल एंड फीमेल के कट ऑफ के बारे में बात। अब यहां पर आगे बात करते हैं अदर कट ऑफ के बारे में, यहां पर देख सकते हैं ये है आपकी फीमेल कट ऑफ, फीमेल कट ऑफ है बिहार की फिजिकल के लिए, ये आपकी फिजिकल कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो ये आप पीडीएफ देख रहे हैं ये पिछले साल की कट ऑफ की है, ठीक है फ्रेंड्स, पिछले साल की जो फिजिकल कट ऑफ गई थी 2022-23 की वैकेंसी की, उसकी ये पीडीएफ है। अब यहां पर इस कट ऑफ से कितना यहां पर अब की बार प्लस हो सकता है आपकी कट ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखेगा। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और फिजिकल की अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो पिछले साल की जो भी कट ऑफ है उससे लगभग आप 6 नंबर प्लस कर दीजिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो
तो 6 नंबर आप प्लस कर दीजिएगा, आपको फिजिकल का अंदाजा लग जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। सीधा सीधा आप अगर 6 नंबर प्लस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के अंदर हो, इससे आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि मेरा कट ऑफ कितना जा सकता है। और जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप बिहार से बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर आप 85 पिछले साल कट ऑफ गई थी 85, यहाँ पर अगर आप 6 नंबर प्लस करोगे तो लगभग आपका 91 इस बार आपका कट ऑफ रहने वाला है फिजिकल का। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ इस बार ज्यादा क्यों जाएगा, पिछले साल की वैकेंसी 50,000 वैकेंसी थी, इस बार 25,000 वैकेंसी है, लगभग 26,000 वैकेंसी है, और यहाँ पर क्या है 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत सारे कैंडिडेट तुक्के लगा के आए हैं और उनका नंबर यहाँ पर प्लस ही आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, और इस बार का जो पेपर है वो बहुत ज्यादा इजी था, तो कट ऑफ तो एक बार सीधा सीधा आपके ऊपर ही जाने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अगर बिहार का जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखे तो यहाँ पर 6 नंबर आप प्लस कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो ये का आपका कट ऑफ का मोटा मोटा अंदाजा बन जाएगा कि मेरा कट ऑफ कितना जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर 102 है तो 6 नंबर आप प्लस करें तो 108 आपका कहाँ का कट ऑफ रहेगा, ओबीसी का जनरल एरिया का। इसी प्रकार आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं मेल कट ऑफ के बारे में कि फिजिकल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये है आपके पिछले साल की बिहार की कट ऑफ 2022-23 की वैकेंसी की। अब यहाँ पर इस कट ऑफ से कितना यहाँ पर प्लस जाने वाली है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेगा कि जैसे आपका बिहार का बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस का पिछले साल कितना गया था 82, यानी 82 आपका कट ऑफ गया था। तो इस बार आप सीधा सीधा 8 नंबर आप प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ इस बार ज्यादा तो जाएगी जाएगी, 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, इसके साथ साथ आपकी वैकेंसी आधी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, और पेपर भी आपका बहुत ज्यादा इजी था। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप 8 नंबर प्लस करें तो लगभग 90 आपका बिहार का बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहने वाला है। इसके बाद में जैसे यहाँ पर जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो अगर आप 8 नंबर प्लस करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 117 आपका यहाँ पर कट ऑफ इस बार आपका जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस से जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, सभी को 8 नंबर प्लस कर लेना है, यहाँ पर आपको कट ऑफ का एक सटीक अंदाजा अपने आप बन जाएगा। जितने भी आपके पिछले साल की कट ऑफ है उससे 8 नंबर आपको प्लस कर लेना है, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर इस बीच आपका सिलेक्शन आपका नंबर आ रहा है, आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, बिहार की पिछले साल की फिजिकल की कट ऑफ का 8 नंबर आपको प्लस कर लेना है। और यहाँ पर कुछ और कट ऑफ है, यहाँ पर सीधा सीधा आपको 8 नंबर प्लस कर देना है, आपका कट ऑफ इतना तो जाएगा ही जाएगा। ये अब आपको ये बताना है कि आपका कितना नंबर बन रहा है, आप कौन से स्टेट से है, आपका क्या कौन सा एरिया लगता है, आपका मतलब क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना नंबर बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने अपना नॉर्मलाइज स्कोर चेक नहीं किया है तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिए, अपना यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और फ्रेंड्स मैं सभी कैंडिडेट को कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला। आप सभी को बताया दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में भी यही हुआ था, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे थे और यहाँ पर उनका फिजिकल के लिए उनको समय नहीं मिल पाया था, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या हुआ था, वैकेंसी खाली गई थी। तो ये गलती आपको नहीं करना है, अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना है, क्योंकि ये मौका है, ये सुनहरा मौका, ये मौका बार बार नहीं आता, किस्मत वाले होते हैं जो फिजिकल देने जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चों का था यहाँ पर पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाता, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो यहाँ तक पहुंच पाए, तो इस मौके को गंवाना नहीं है, और यहाँ पर क्या करना है, अपनी तैयारी को जोरों शोरों से स्टार्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर बोलते हो गए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसको बोलो एक बार शांत रहिए, मौका आने पर आपको उसको जवाब देना है, और फालतू की बातों में आपको ध्यान नहीं देना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।